गाइज वेलकम बैक टू मोनिकाज ब्लॉग। सो आज हम बनाने जा रहे हैं पिज्ज़ा सैंडविच, तो चलिए हम सब मिलके बनाते हैं। मैंने पहले से ही प्रिपरेशन कर रखी है, बस मुझे बनाना है जल्दी जल्दी, तो चलो। तो दोस्तों अभी हम करने जा रहे हैं ब्रेकफास्ट, और यहाँ मैंने ब्रेकफास्ट की सारी तैयारियाँ कर ली है। अब देख सकते हैं जैसे मैं आज बना रही हूँ पिज्ज़ा सैंडविच। यहाँ पे मैंने पहले ब्रेड पे चीज स्प्रेड लगा दिया और सारे सॉसेस में हमारी सब्जियों को कर लिया है। इसमें मैंने ज्यादा कुछ तो नहीं डाला है, सिर्फ अनियन है, कैप्सिकम है और टोमेटो है, और हमारी जो चाइनीज जितनी भी सॉसेस होती है ना वो सारी मैंने बस ऐड कर दिया। थोड़ा सॉटे करके इसे उतार लिया है और फिर हम इसमें चीज डाल के इसको फिल करके हमारी बना लेंगे अच्छे से पिज्जा सैंडविच। तो देख सकते हैं मैंने एक साथ ही सारे को भर लिया है कि ज्यादा मुझे प्रॉब्लम ना हो, एक साथ सबको देना रहता है, तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी करके सारा सैंडविच प्रिपरेशन कर रही हूँ। कि अभी सारे लोग नहा धो रहे हैं, तो नहा धो के फिर सब नाश्ता करेंगे। तो आज मैं दिखाऊंगी कि मैंने आज सारा दिन क्या क्या किया। और यहाँ पे मेरा हमने कैमरा थोड़ा सा उल्टा हो गया है, फिर हम निकल के पड़े थे रेस्ट करके कल्याण ज्वेलर्स, यहाँ से हमने कुछ शॉपिंग करनी थी। तो यहाँ बेबी के लिए हमने एक लॉकेट लेना था, तो हम यहाँ से वो लेने आए थे, फिर हमने लॉकेट लिया और अब हम जा रहे हैं, हमारा किचन का कुछ सामान लेना था, तो हम आ गए हैं किचन बाजार। यहाँ पे काफी अच्छे कलेक्शंस हैं किचन के, यहाँ पे किचन की यूज वाली सारी चीजें मिल जाएंगी। आप देख सकते हैं कितने अच्छे अच्छे ग्लासेस हैं और कलेक्शन है। ये वाला तो काफी अच्छा लगा था मुझे, तो मैं काफी कंफ्यूज भी हो गई थी इतने सारे कलेक्शंस देख के। तो फिर जैसे तैसे हमने एक ग्लास किसी तरह पसंद किया, काफी कंफ्यूजन हो रही थी, लेकिन हमने एक ग्लास का सेट पसंद किया। और हमें कुकर भी लेना था और घर के छोटे मोटे कुछ कुछ सामान जो सारे घर में जरूरत की होती है, तो वो ही लेना था हमें। कुछ कुछ सामान हमने लिया यहाँ से, फिर सारा सामान लेवे के वेलिंग करके हम निकल गए हैं हमारे मॉल के लिए, हमें शॉपिंग करने जाना था। तो फिर रास्ते में शाम हो चुकी थी, बारिश का मौसम था और ट्रैफिक भी काफी थी। फिर हम एक शॉप पे आ गए, यहाँ की समोसा और चाय काफी फेमस है, तो सोचा चलो शाम हो गई है तो मौसम भी अच्छा है, तो क्यों ना चाय समोसे खा लेते हैं। तो हमने चाय और समोसे ऑर्डर किए और खाए, मतलब ऑर्डर नहीं, खरीद के खाए। साइड में रोड के साइड में एक काफी फेमस स्टॉल लगाता है। फिर हम यहाँ मॉल में आ चुके हैं, हमारा फन मॉल जो कि काफी अच्छा है, यहाँ के कलेक्शंस भी अच्छे हैं। तो यहाँ बेबी काफी एंजॉय कर रहा है और घूम रहा है, देख रहा है सब कुछ। और यहाँ हम भी बस निकल चुके हैं शॉपिंग के लिए। यहाँ देख सकते हैं बेबी थोड़ा सा थक गया है, शायद घूम घूम के यहाँ रेस्ट कर रहा है, बैठा हुआ है बस वो, और अपने चाचू के साथ खेल रहा है। तो फिर तब तक मैं कुछ शॉपिंग कर लेती हूँ सबके लिए और अपने लिए भी, क्योंकि ये तो तुमको ये ब्लॉग देखना पड़ेगा मेरा, सबसे फेवरेट काम ही होता है शॉपिंग करना। तो तुरंत रेडी हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे ऊपर लेडीज कलेक्शन बहुत सारे हैं अच्छे अच्छे, तो मैंने यहाँ से अपने लिए टॉप लिया। और यहाँ पापा शायद पैंट देख रहे हैं, उनको पैंट लेना था, तो सबने जिसको जो लेना था वो उन्होंने लिया। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कुछ टी शर्ट्स, मेंस टी शर्ट्स इनके लिए पसंद कर रही हूँ। तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छे कलेक्शन है यहाँ पे, आप भी आके ले सकते हैं यहाँ पे। तो बस हमने देखा, हमें जो पसंद आया एक दो चीज़ें ट्राई करके देखा। यहाँ पे भी अपना वेट कर रहा है कब मम्मा फ्री और हम घर चलें। तो यहाँ पे बस थोड़ा सा मॉल घूमा, शॉपिंग की हमने सारे बिलिंग विलिंग करने के बाद, थोड़ा सा मॉल वॉल घूम के फिर सबको भूख भी लग चुकी थी, काफ़ी रात हो गई थी, तो हमने यहाँ पे डिनर के लिए ऑर्डर कर दिया है छोले कुलचे। और यहाँ फिर हमने बीकानेर पे छोले कुलचे खाए, जिसको जो खाना था उन्होंने ऑर्डर किया वो। फिर ऐसे ही बस हमने आज ऐसे एंजॉय किया और फिर सब लोग थक चुके थे, रात काफी हो गई थी, बेबी तो सो ही गया था। फिर हमने खा पी के घर आ गए, तो बस अब हम घर जा रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।
प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले मोनिकाज ब्लॉग। कीप वॉचिंग।